सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर कश्मीर में आतंकियों के बुरहान गैंग की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी गुट के आखिरी बचे आतंकी सद्दाम पेडर को मार गिराया है। सद्दाम पर 15 लाख का इनाम था। उसके साथ मारे गए 4 आतंकवादियों में कश्मीर विश्वविद्यालय का एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, जो कुछ वक्त पहले ही आतंकी बना था। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। वक्त सुबह 5:45, जगह शोपियां कश्मीर। क्या हुआ? आतंक की मौत आई। रविवार की सुबह कश्मीर में हमारे जांबाज जवान आतंकियों पर काल बनकर टूटे। चैनपोरा इलाके के बाडीगाम में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुठभेड़ वाली जगह पर सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसमें 5 नागरिकों की भी मौत हो गई। मारे गए आतंकियों में से 4 हिजबुल मुजाहिदीन के और 1 लश्कर ए तैयबा का था। जो 5 आतंकी मारे गए उनमें से कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आतंकी बना मोहम्मद रफीक बट भी शामिल था। कांदेरबल का रहने वाला रफीक 36 घंटे पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। रफीक बट के भी आतंकियों के साथ होने की खबर के बाद बट के परिवार को बाडीगाम गांव लाया गया और सरेंडर करवाने की कोशिश की गई। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ। एसएसपी शोपियन, थोड़ा पीछे आ जाओ। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सद्दाम पैडर भी था। पैडर बुरहान गैंग के आतंकियों में सबसे टॉप कमांडर माना जाता था। बुरहान वानी गैंग के कुल 11 आतंकी थे। इन 11 में से 10 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि इनमें से 1 तारीख पंडित ने सरेंडर कर दिया था। ये एनकाउंटर साफ तौर पर दर्शाता है कि जो कश्मीर का आवाम है वो इंसर्जेंसी और टेररिज्म से फेड अप हो गया। उसी के इशारे के ऊपर ये कार्रवाई होती है। जो 3 टेररिस्ट श्रीनगर में मारे गए, वहाँ के अवाम ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आज स्थिति बिल्कुल वैसे है जैसे कि पंजाब में थी जब इंसर्जेंसी खत्म हुई। ये तस्वीरें 30 अप्रैल की हैं, जब आतंकी समीर टाइगर को सेना ने घेर लिया था। घर में छुपे आतंकी को बाहर निकालने के लिए पहले पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। आग लगी और फिर गोलियों के साथ एक बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद घर के अंदर छिपा टाइगर 40 सेकंड के अंदर अपने बिल से बाहर आ गया। आतंकियों के एनकाउंटर के वक्त जवानों की एक टीम इस बात पर नजर रखती है कि आतंकी भागने की कोशिश करे तो उसे जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी पूरी रखी जाए। आतंकी समीर टाइगर जैसे ही बाहर निकला वो जवानों की गोलियों के निशाने पर था और उसका बचना नामुमकिन था। समीर टाइगर को वहीं पर ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 2018 का साल आतंकियों के लिए सेना काल बनकर आया है। इस साल की शुरुआत से अब तक 62 आतंकी मारे जा चुके हैं। 15 जनवरी को बारामूला में 5 आतंकी मारे गए। 4 मार्च को शोपियां में 6 आतंकी मारे गए। 21 मार्च को कुपवाड़ा में 5 आतंकियों का सफाया हुआ। 28 मार्च को राजौरी में 4 आतंकी ढेर किए गए। 1 अप्रैल को शोपियां में 12 आतंकी मारे गए। 30 अप्रैल को पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए और 5 अप्रैल को श्रीनगर में 3 और 6 मई रविवार को शोपियां में 5 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। क्योंकि जो बंदूक उठाएगा बंदूक की गोली उस तक भी पहुंचती है और यही वजह है कि आज 5 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं और सख्त कार्रवाई चल रही है। हम अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को बहुत बधाई देते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बारामूला की वो महिलाएं हैं जिनके जवान बेटों भाइयों को लश्कर के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। बारामूला में 30 अप्रैल को रात करीब 9 बजे आतंकियों ने 3 स्थानीय युवकों पर गोलीबारी की थी। आतंकियों के हमले में 3 युवकों की मौत हो गई थी।
دہشت گردی ٹیررزم کی سب سے بدترین مثال ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے، 16 سال کے لڑکے، عام لڑکے، تینوں کو ایک ساتھ مار ڈالنا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ انسان کہنے کے لائق ہے. ہمیں پتہ ہے کچھ طاقتیں جو یہاں نہیں چاہتی ہے کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہاں جو ترقی ہو رہی ہے، یہاں جو امن پھیلا رہا ہے، اس چیز کو ڈسٹرب کرنے کی. ظاہر ہے کشمیر کا عام باشندہ اب آتنکیوں کو قاتل کہہ کر پکارتا ہے. میں ان ساری بہنوں کو بدائی دیتا ہوں، ان کی ساری ویدناؤں کے ساتھ سہمت ہوں. جب تک گھر میں آگ نہیں لگتی تو پڑوس میں آگ لگنے کی اس کی قیمت نہیں سمجھتی. آتنکواد کے خلاف ہماری ایک مسلم مہیلا بہن بول رہی ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہی دیش بھکتی ہے. یہ تصویریں 2 مئی کی ہیں، جب آتنکیوں کے مددگار پتھر بازوں نے کشمیر کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا تھا. شوپیاں میں اسکول جا رہے رینبو انٹرنیشنل اسکول کے بچوں پر پتھر پھینکے گئے تھے. اس حملے میں 2 اسکولی بچے زخمی ہو گئے تھے. پاکستان آتنکی بھیجے گا تو وہ یوں ہی مارے جاتے رہیں گے، لیکن اب لکشیہ صرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو واپس لینا ہے. دیش کے پہلے پردھان منتری سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوتے تو میرا کشمیر کا یہ حصہ آج پاکستان کے پاس نہ ہوتا. خالد حسین کے ساتھ بیورو رپورٹ، زی میڈیا، شری نگر.